उसी तरह से जब 27 फरवरी 2002 को हुआ तो सबको फायदा हुआ है, उसमें मरी और पिसी इंसानियत। उसमें द यंगेस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन टू बी बर्नड अलाइव वाज अ 2.5-year-old किड, 2.5 साल का बच्चा था सर, और उन 59 लोगों को आपने सिर्फ स्टैटिस्टिक बना दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन 59 लोगों में से किसी को भी 2 लोगों के नाम नहीं पता होंगे। हमारी सोसाइटीज अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा खाना पीना अलग है। थिंग्स दैट वी होल्ड वेरी डियर इज जस्ट अ फूड फॉर देम। एनिमल दैट वी वर्शिप, दे हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद वो एक सपना लेके आई है कि मैं अंग्रेजी जर्नलिज्म करूंगी, बिकॉज इट इज अ माइंडसेट, इट इज आवर कंडीशनिंग कि अंग्रेजी जो बोलता है वो विद्वान है। कि उस वक्त अंग्रेजी पत्रकार ऐसे बिकते थे कि हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। जो आपके घर में खाना बनाती है या खाना बनाता है, जिसके हाथ की रोटी तुम अपने पेट में डालते हो, वो आपकी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती, आपकी तरह सेम एलिवेटर में भी नहीं आ सकती। ये तो डिस्पैरिटी। अब तो 22 साल हो गए, द डस्ट हैज सेटल्ड। बस वो 2-2.25 घंटे के लिए वो जो घंटी है उसको निकाल के रख देना साइड पे, और इंसानियत के नाते ये फिल्म देखना, रूह कांप जाएगी तुम्हारी कि उन 59 लोगों के साथ हुआ क्या। जब वहां जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हिंदू मॉब्स अटैक दिस पर्टिकुलर मॉस्क, हिंदू मॉब अटैक दिस, और ये उस तबके के लोग आज भी वही कर रहे हैं। वो एक एलिटिज्म क्लासिज्म है, एलिटिज्म आज भी है। किसी भी रिलीजियस लेंस से या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लेंस से आप ये फिल्म ना देखें, क्योंकि वातावरण वैसे ही हमारे देश का एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हो चुका है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैडम थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त था। तुम इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। आई होप आई फुलफिल एंड लिव अप टू योर जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस। योर्स फेथफुली विद रिगार्ड्स। नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। वो हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य बल। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि शून्य से इंसान। Journalism is not just about facts. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे तो जो बोलोगी करूँगा। ये क्या है? काम करने के लिए। ये? काम पे ध्यान देने के लिए। कोथरा में क्या कर रही हो? विस्थापित, विस्थापित। मैं कह रही थी विस्थापित। विस्थापित? What विस्थापित? सीधी साधी हिंदी में नहीं लिख सकते थे? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की कि सीधी साधी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बाकी के डब्बों में आग नहीं लगी? ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे कुछ महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इट वाज 100% एन एक्सीडेंट। तुम्हें हंसी आ रही है? यार इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती, दारू बर्बाद कर दी मेरी। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान, गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक तो पता नहीं चला। नहीं देखा? नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। गोधरा का सच खा के बैठ गए? एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और डीओ न्यूज। आज हमारे साथ हैं विक्रांत मैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपकी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो 12वीं फेल मतलब बहुत अच्छी मूवी, थैंक यू, एंड उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाली आपकी फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट जी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मेरा जो पहला सवाल है कि ये जो टॉपिक आपने चूज किया है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। आई मीन हमने अभी तक गोधरा, गोधरा तो हमने बहुत सुना है, मतलब गोधरा के ऊपर जितनी बात हुई है इस देश में,
हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मतलब उनका मीडिया ट्रायल 15 साल चला है उसके ऊपर एंड अभी भी चल रहा है. सो हाउ कॉन्फिडेंट वर यू व्हेन यू सेड यस कि हाँ यार ये फिल्म करूँगा मैं? यू नो ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट द ऑफर आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. इन फैक्ट आई वाज एप्रिहेंसिव कि ये करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसा पहलू है हमारे इतिहास का जिसने हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी राजनीति को, हम सबकी कलेक्टिव आउटलुक को बदल दिया रातों रात. सो आई वाज एप्रिहेंसिव, आई वाज एंड आल्सो बिकॉज क्योंकि इस सब्जेक्ट पे फिल्में बन चुकी हैं ऑलरेडी, काफ़ी फिल्में बनी हैं, मतलब 100 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हैं हमारे देश में, फिर तो अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस ने भी आके अपनी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई हैं. तो मैंने कहा कि यार क्या है नया इसमें. बट देन व्हेन आई मेट एकता कपूर हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जब उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो मुझे पता है कि ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है एंड इफ़ यू हैव एप्रिहेंशन वो लाजमी है, पर मैं तुम्हें रिसर्च मटीरियल भी दे रही हूँ, तुम पढ़ो, अपना समय लो, तुम व्यस्त भी हो, जब समय मिले पढ़ना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना और फिर मुझे बताना कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे. तो करेंगे, हम चर्चा करेंगे इस विषय पे. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने रिसर्च मटेरियल देखा तो मुझे ये लगा कि ये शायद पहली ऐसी फिल्म होगी या पहला ऐसा अटेम्प्ट होगा जिसने सिर्फ गोधरा रायट्स पे ध्यान नहीं दिया है, जिसने उस अनफॉर्चुनेट, वो बहुत ही विभत्स था, वो नहीं होना चाहिए था किसी भी समाज में, वो विभत्स ही रहेगा, वो कभी नहीं हो सकता. जो एसेक्स बोगी को जो जला दिया गया और अंदर बच्चे महिलाएं जिंदा जला दिया गया. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जैसे मैं कह रहा हूँ, और जो रिसर्च मटेरियल देखा, तब लगा कि ये गोधरा राइट्स पे नहीं है, ये फिल्म उस अनफॉर्चुनेट राइट्स के जेनेसिस पे है. कि वो हुआ क्यों और वो हुआ कैसे. क्योंकि मैं सच बताऊं, मुझे भी पूरी जानकारी इस विषय पे थी नहीं. मीडिया ने जो बताया और हम जब भी हुआ था 22 साल पहले, मैं खुद 15 साल का था, 15 years. और घर वाले, आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं घर में, जब ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी आपदा आती है, तो बच्चों को एक्सपोज नहीं करते हैं घर वाले. ये भी याद है कि जब वो आ रहा था न्यूज़ पे, तो चैनल बंद कर दिए जाते थे या बदल दिए जाते थे, स्पोर्ट्स लगा दिया जाता था या कोई पिक्चर लगा दी जाती थी. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो दैट द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज अ वेरी कलर्ड इंफॉर्मेशन. मतलब वो थियरीज हैं, वो सच नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड किया गया वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. और एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये है कि कमेटियाँ बनी, सारी चीज़ें हुई, अनफॉर्चुनेट ली हम सब ने बहुत प्रतिक्रियाएं व्यक्त की कि ये हुआ वो हुआ, विश्वास भी किया, पर फाइनली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केम डाउन. एंड व्हेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट वाज अ प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी, उन लोगों को जलाने की साजिश थी. और ये सच मेरे खुद के घर में, मेरे घर में जो बच्चे हैं 13-14 साल के, उनको नहीं पता. राइट्स हुए ये पता है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, नहीं होने चाहिए. किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में हिंसा किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, पर आपने इतने साल उसके जेनेसिस की बात ही नहीं की. और अगर जो बात की वो फैब्रिकेटेड थियोरीज थी और सिनेमा में नहीं की, जो इतना इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, जब आप दुनिया में ये कहते हैं कि सिनेमा एंड सोसाइटी गो हैंड इन हैंड, आर्ट एंड सोसाइटी रिफ्लेक्ट ईच अदर, तो जो सोसाइटी में हुआ उस पर आपने बात क्यों नहीं की. तब मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आई थिंक सही लोग भी हैं, एकता के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता भी है. तब मैंने कहा कि नहीं, अब ये फिल्म बनानी पड़ेगी. लोग पता है बहुत कुछ कहेंगे, जैसे आपने कहा बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लोग कलर भी करेंगे आपको ब्रैकेट करेंगे, बट एज एन आर्टिस्ट बाई द एंड ऑफ इट हमारा काम कहानी कहना है. और अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं वो कहानियाँ कहना चाहता हूँ, मुझे शौक वो कहानियाँ कहने का है जो किसी ना किसी का इम्पैक्ट रखे, जिसकी कोई आर्काइवल वैल्यू हो, जो समाज में कहीं ना कहीं होती हुई चीज़ों का आईना हो,
एंटरटेन तो ठीक है वो भी करेंगे, वो भी करते हैं, फिर चाहे ट्वेल्थ फेल हो या सेक्टर 36 हो, वो भी एंटरटेनमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ये प्रयास ये था कि जो समाज का सच है, जो कड़वा सच है, वो हमें, मुझे लाने में काफ़ी इंटरेस्ट है उस चीज़ में, चर्चा हो, विचार हो, यही तो कला है मीडिया। आप, मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें आप एक मीडिया पर्सन का आपने रोल प्ले किया है, तो उस समय का जो मीडिया था वो मीडिया भी एक तरीके से बहुत बायस्ड रोल प्ले कर रहा था जी। वो हैंड इन ग्लव था विद पीपल इन द पावर जी, ठीक है, जो सेंटर में जो लोग, जो उस समय की जो रिजीम थी जी। और वो एक तरीके के जो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है कि डाइवर्जन क्रिएट करना होता है कि अगर आपको सच नहीं बताना तो पब्लिक को कन्फ्यूज कर दो, ठीक है। तो हमको कभी सुनने में आता था कि वो जो आग लगी वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई, या लोग खाना बना रहे थे, या लोग अंदर खाना बना रहे थे ट्रेन के अंदर, जो घर पहुंचने वाले थे वो वहां बैठे खाना बना रहे थे। हाँ, वो घर पहुंच के नहीं खा सकते, क्योंकि जब वो ट्रेन, मेरे ख्याल से 23 या 24 को, वो डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जब वो ट्रेन वहां से निकली थी अयोध्या के लिए, तब वहां पे लोगों ने ये प्रतिक्रिया बनाई कि कुछ लोगों को उन्होंने जाते हुए, जब ट्रेन रवाना हुई थी अयोध्या के लिए, कुछ लोग खाना बना रहे थे, तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि आते वक्त भी खाना बना रहे होंगे। सर, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और आप राजनीति से भी बहुत करीब से हैं, तो यू नो कि क्या क्या थियोरियाँ थी। चाय वाले से लड़ाई हुई, लड़की को उठा के डब्बे के अंदर ले जाने की कोशिश की, फिर उस लड़की को बचाने के लिए भीड़ आई, वो एक चाय वाले के साथ लड़ाई हो गई लोगों की, 4 मिनट में 1500 लोग आ गए और ये मीडिया ने बताया नहीं। और मीडिया का रोल, जो चौथा आपका स्तंभ है लोकतंत्र का, उसने इतने सालों तक लोगों को गुमराह किया, तो ये कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का, हमारे इतिहास का, पूरा सोशल फैब्रिक बदल गया हमारे देश का 27 के बाद। तो यही है कि चर्चा हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि किसी भी रिलीजियस लेंस से या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लेंस से आप ये फिल्म ना देखें, क्योंकि वातावरण वैसे ही हमारे देश का एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट हो चुका है, देर इज़ नो बैलेंस। हम बात करते हैं कि योग करो, बैलेंस लाओ जीवन में, बैलेंस डाइट फॉलो करोगे तो सेहत अच्छी होगी, बट वॉट अबाउट बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स, वॉट अबाउट ह्यूमैनिटी? उस 2.5 साल के बच्चे को जिसको जिंदा जला दिया गया, क्या आप उसको किसी पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे या किसी रिलीजियस लेंस से देखेंगे? इंसानियत के लेंस से देखना हमें दोबारा शुरू करना चाहिए, और सिनेमा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म देख के लोग चर्चा करें और समझें कि हम इंसान पहले पैदा होते हैं, और उन 59 लोगों को आपने सिर्फ स्टैटिस्टिक बना दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन 59 लोगों में से किसी को भी 2 लोगों के नाम नहीं पता होंगे। आप जानते हैं 2 लोगों के नाम? मैं भी नहीं जानता था। तो ये है चीज़ें। उस समय का जो मीडिया था, एक इंग्लिश मीडिया है, आज भी हमारे देश में इंग्लिश मीडिया है, वो उसकी, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है ना सोचने की, वो हिंदी वालों से मैच नहीं करती, ठीक है। वो मतलब वो IST में रहते ही नहीं, वो रहते ही सोचते ही GMT में है वो, ठीक है। ठीक है, नाइसली पुट, ठीक है, नाइसली पुट। तो अब जब आप खुद GMT में रहते हो, तो फिर आप वहां का टेम्पलेट उठा करके यहाँ की सोसाइटी पे आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। हमारी सोसाइटीज अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, ठीक है, हमारा खाना पीना अलग है, थिंग्स दैट वी होल्ड वेरी डियर टू अस इज जस्ट अ फूड फॉर देम, ठीक है। एनिमल दैट वी वर्शिप, दे हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो अब उस समाज का टेम्पलेट जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, सो आप तो सबसे पहला तो एक कहते हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो है, आई एम यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन इसको, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इसको बोलने। और डिस्पैरिटी भी है सर। और आप इस फिल्म में देखेंगे, मैं हिंदी पत्रकार हूँ, जो रिद्धि डोगरा जो किरदार कर रही हैं वो कॉलोनियल हैंगओवर वाली अंग्रेजी पत्रकार हैं, और राशि खन्ना जो किरदार प्ले कर रही हैं वो भी पत्रकार हैं। वो एक इंटर्न है जो अपनी आंखों में सपने लेके आई है,
सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद वो एक सपना लेके आई है कि मैं अंग्रेजी जर्नलिज्म करूँगी, बिकॉज इट इज़ अ माइंडसेट, इट इज़ आवर कंडीशनिंग कि अंग्रेजी जो बोलता है वो विद्वान है। जब ये ट्वेल्थ फेल मेरे हाथ में आई और अगले पिछले ही साल ही वो फिल्म रिलीज़ हुई है, लेकिन हम उसको शूट करते करते जब तक वो फिल्म आई और अब लगभग उसे 3 साल हो गए, ये जो लैंग्वेज डिस्पैरिटी है एंड द वे वी सी कि हमारी खुद की भाषा या हमारी रीजनल भाषाओं को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जो अंग्रेजी बोल रहा है वो बुद्धिमान है। वो इंटरव्यू में कहता भी है, मनोज कुमार शर्मा, मैं ट्वेल्थ फेल की बात कर रहा हूँ, वो कहता है कि ग्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पानी साफ होना चाहिए और मैं बिल्कुल योग्य हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे समाज की सर, कॉलोनियल हैंगओवर है। और अगर मीडिया की बात करें, और सिर्फ मीडिया की नहीं, चलो हम तो ये कहानी मीडिया के लेंस से बता रहे हैं तो इसीलिए हम मीडिया की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज अगर आप मेरी खुद की फ्रेटर्निटी को देखें, फिल्में बनाते हिंदी में, बहुत ऐसे भी हैं जिनको हिंदी बोलने के लिए कैमरे के सामने 3-3 दिन पहले स्क्रिप्ट भेजनी पड़ती है ताकि वो रिहर्स करके आए, और अगर आपने इम्प्रोवाइज कर दिया खत्म। सर मैंने तो ये भी सुना है, कुछ मेरे जानने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे भी जो लिख के आता है या जो स्क्रिप्ट भी लिख के आती है वो एक्चुअली हिंदी भी देवनागरी में नहीं, रोमन हिंदी है, रोमन में लिखा होता है। और वो हमने ट्रेलर में दिखाया है, आपने देखा है? हाँ, ट्रेलर देखा मैंने। कि उस वक्त अंग्रेजी पत्रकार ऐसे बिकते थे कि हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे, ये रेफरेंस पॉइंट वही है। आज हम भी, आज मुझे भी अगर आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस एक इकोसिस्टम का ऐसा हिस्सा बन गया हूँ। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और 20 साल से मैं हिंदी बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, पर जो लिखी आती है मेरे पास वो देवनागरी में नहीं आती है, वो रोमन हिंदी में आती है। हम AAP आप लिखते हैं, पर वो है, अब वो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी सर। तो एक पुरानी सेइंग है कि आप जिस भाषा में सोचते हैं, ठीक है, आप एक्चुअली वैसे ही होते हैं। आप अगर कहते हैं, आप बात किसी भी भाषा में करें लेकिन सोचता इंसान अपनी मातृभाषा में है। बिल्कुल ठीक है, वो उसी भाषा में सोचता है जिस वो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो। हाँ, तो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में, जो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं अब, कि इंडिया में जो सत्ता हस्तांतरण हुआ आज़ादी के बाद, वो जिन लोगों के हाथ में गया वो लोग थे जो सोचते ही इंग्लिश में थे। ठीक है, उनकी अपनी कोई मात्र, उनकी वो स्पीच भी इंग्लिश में, नीदर जिना कुड स्पीक उर्दू, नीदर नेहरू कुड स्पीक अब प्योर हिंदी। आप इनके दोनों के जितने भाषण निकालेंगे वो सारे इंग्लिश में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम इंग्लिश में मिलेंगे। और वो इसलिए बिकॉज दे वर मोर कम्फर्टेबल इन दैट लैंग्वेज। और ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब भारत आज़ाद हुआ और भारत की जो साक्षर दर था भारत का, और जो पाकिस्तान तब का जो था जी। हमारे यहाँ 15% 20% लिटरेसी थी, 80% भाषा, जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उनसे इंग्लिश में उनका लीडर बात करता था। सो डू यू थिंक कि दैट इज़ द वो जो लेगेसी है, अब वो करते 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 यहाँ तक पहुँची है कि वो लटियंस, जिसको खान मार्केट गैंग कहते हैं या लटियंस मीडिया कहते हैं जी। तो वो लटियंस जोन की का जो मीडिया है वो अभी तक उस हैंगओवर, कॉलोनियल हैंगओवर से निकला नहीं है। सर जैसे मैंने कहा पहले भी कहा कि ये कॉलोनियल हैंगओवर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, वो हमारे खून में घुस गया है। आज मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं भी अगर जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अगर आप मुझे कुछ बोलेंगे हिंदी में लिखने के लिए कि आप कहाँ थे, तो मैं स्क्रिप्ट के नाते में उसको AAP KAHAN लिखूँगा, क्योंकि वो कंडीशनिंग मेरी हो गई है। वैसे वो हम सब की रगों में बस चुका है। और रहा सवाल इतिहास का, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो भाषा देश के लोग बोल नहीं पाते थे उनसे उस भाषा में बात किया जाता था। पर एक चीज़ ये भी, आज के दौर की अगर मैं बात करूँ तो वी आर द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड। एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इट इज़ अ कनेक्टर, इट इज़ अ मीडियम, नथिंग अगेंस्ट द लैंग्वेज। मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी इंटरव्यू में कि दिक्कत ये नहीं है कि अंग्रेजी आती है, दिक्कत ये है कि अपनी भाषा में बात करना, अपने कल्चर को ओन करना, या उन लोगों को नीची नज़र से देखना जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उससे दिक्कत है। आज हमारे घर में जो काम करते हैं, मैं मुंबई महानगरी से आता हूँ, वहाँ पे मेरी खुद की सोसाइटी में जो आपके घर में खाना बनाती है या खाना बनाता है, जिसके हाथ की रोटी तुम अपने पेट में डालते हो, वो आप की तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती, वो आपकी तरह सेम एलिवेटर में भी नहीं आ सकती। ये तो डिस्पैरिटी है।
वो अलग एलिवेटर में आएंगे, वो अलग एलिवेटर से जाएंगे, वो भले ही आपके घर का हिस्सा हो, 24 घंटे आपके साथ रहते हों, उसी छत के नीचे रहते हों, लेकिन जो फैसिलिटी एक सो कॉल्ड ओनर इन्जॉय कर पाता है, पोडियम पे जाके वॉक कर पाता है, वो नहीं कर सकते। तो ये क्लासिज्म और ये डिवाइड जो है वो तो रहा ही है, अनफॉर्चुनेटली आज भी है, बट इट हैज़ टू चेंज। एंड आई नो यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। आप जैसे लोग हैं, मैं भी सिनेमा से, ट्वेल्थ फेल जैसी फिल्मों से, साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों से ये चीज़ उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये साबरमती रिपोर्ट की अगर हम बात करें, मेरे घर में खुद 13-14 साल के बच्चे हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है ऐसा कुछ हुआ था, तो कहते हैं नो वी डोंट नो। इतना बड़ा पिविट पॉइंट हमारे इतिहास का उनको पता ही नहीं है। तो इस कहानी के जरिए हमने बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की है कि मीडिया का क्या रोल था, कैसे कंकॉक्शन एक था जो रियलिटी के गाब में बैठा हुआ था, जो चौथा पिलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने क्या किया और सच्चाई में क्या हुआ। उन 59 लोगों को किसी ने याद नहीं किया सर। और ये फिल्म का डायलॉग है हमारा कि उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी हैं, बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रोटियां सेकी, लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने सेकी, सब ने। अभी कल ही मैं किसी के साथ बैठ के बात कर रहा था, देर इज़ अ बुक बाई पी साईनाथ विच रिलीज इन 1996 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स कॉल्ड एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। जब कोरोना काल भी आया, सैनिटाइजर बेचने वाले खरबोपति बन गए, रबर के ग्लव्स बनाने वाले करोड़ोंपति बन गए, दवाइयाँ देने वाले लोग करोड़ोंपति बन गए। तो ये अपॉर्चुनिटी तो इंसान का नेचर है, जहाँ आपदा होती है वहाँ एक दुकान खुल जाती है। उसी तरह से जब 27 फरवरी 2002 को हुआ तो सबको फायदा हुआ है, उसमें मरी और पिसी इंसानियत, उसमें जो 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और जिसमें, और ये स्टैटिस्टिक है, आप रिसर्चर हैं आप रिसर्च करिएगा, द यंगेस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन टू बी बर्न्ड अलाइव वाज अ 2.5 ईयर ओल्ड किड। ढाई साल का बच्चा था सर, तो उसको मैं किसी लेंस से नहीं देख सकता। इस तरह की फिल्मों में, जैसा आपने वो जो जेनेसिस के ऊपर आपने बात की, जब भी आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं या उसके बारे में आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो एक इकोसिस्टम है इस देश में जी, ठीक है, विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू द सेम, वही GMT वाले जो जर्नलिस्ट लॉबी है, ठीक है, वो सारे के सारे मिल करके ना आपका एक सर्टिफिकेट होता है सेक्युलरिज्म का या लिबरलिज्म का, उसको वो कैंसिल कर देते हैं। इशू किसने किया, कौन करता है, वो हमको नहीं पता आज तक, बट कैंसिल करने वाले हम जानते हैं कि कौन करते हैं, तो वो आपका वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर देते हैं। एंड स्पेशली इन अ फिल्म इंडस्ट्री, एक फिल्म इंडस्ट्री में आपको नहीं लगता कि एक वो इकोसिस्टम वहाँ भी है बाय द वे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। तो वो फिर आपका बॉयकॉट करते हैं, फिर वो आपको फिल्में देना बंद कर देते हैं, फिर वो आपसे, आपके साथ इंगेज करना, वो आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि नहीं यार ये कहते हैं ना कि वो अछूत हो गया, एक अनटचेबिलिटी वाली, हाँ अछूत बना देते हैं आपको। सो यू हैड ऑल दीज थिंग्स इन योर हेड कि मतलब यार ये चीज़ें भी हो सकती है मेरे साथ, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि मैं कोई छुपी हुई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, और ये मैं आज भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं। बट मैं ऑनेस्टली ये भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ, कि जितना बाहर से दिखता है उतना बुरा एक्चुअली है नहीं, है पर जिस मात्रा में आप सोच रहे हैं वैसे वो शायद मात्रा उतनी ना हो। कैंसिल कल्चर है, कैंसिल कल्चर तो ऐसा है सर कि लोगों के ड्राइंग रूम में घुस चुका है। मेरे 32 साल पुराने दोस्तों से मेरी दोस्ती टूट गई है, तो ड्राइंग रूम्स में सीप इन हो चुका है। मात्रा उतनी नहीं है पर वो लोग हैं, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि वो कैंसिल कल्चर है, बट देन उस भय से मैं कहानियाँ ना बोलूँ वो तो नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं उम्मीद भी करता हूँ कि ये फिल्म चल जाए, क्योंकि ये फिल्म चल जाएगी ना हमारी, अगर इस फिल्म ने कुछ पैसे कमा लिए तो वही लोग अगले दिन पिक्चर लेके भी आएंगे। तो इंटॉलरेंस है सर, इंटॉलरेंस हर जगह है। एवरीबडी लव्स अ गुड बिजनेस ऑल्सो ना, यस या एवरीबडी लव्स अ गुड बिजनेस। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को साबरमती रिपोर्ट पैसे कमा जाती है और लोग अगर उसे समझते हैं, उसे यू नो स्नेह देते हैं, तो यही कैंसिल करने वाले लोग स्क्रिप्ट भेजेंगे।
पर इतना बुरा भी नहीं है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बोलते हैं पर इंडस्ट्री है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ से आते हैं, आप किस जात के हैं, किस मज़हब के हैं, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपकी जेब में पैसा है नहीं है, आप क्या है, वो नहीं मैटर करता। हर तबके के लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये बहुत रोबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, पर उसमें एक बहुत ही छोटी मात्रा है जो शायद आपको किसी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में भी मिलेगी, जो कैंसल कल्चर का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि वो ना करें, पर अगर कर भी देंगे तो मैं कहानियाँ बोलना नहीं छोड़ूंगा सर। मैंने जब सेक्टर 36 बनाई थी तब भी लोगों ने मुझे पूछा कि यार तुम ये क्यों बना रहे हो, ये बड़ी हार्ड हिटिंग फिल्म है, ये तुम पुरानी चीज़ों को क्यों कुरेद कुरेद के निकालते हो, वो भी इतने साल पहले हुआ था, पर लोगों को पसंद आई। सेक्टर 36 के लिए मेरे एक दोस्त हैं, ही इज अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तुम सेक्टर 36 ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं नहीं मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा हाँ यार मैं देखूंगा, बिकॉज मैं उस समय एक इवेंट में जयपुर में था 3-4 दिन के लिए, वहाँ पे एक समिट हो रहा था, तो उस समिट में था मैं 3-4 दिन। मैं अभी रिसेंटली वहाँ से लौटा हूँ, तो मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर कि आपने सेक्टर 36 का नाम लिया, तो मुझे अभी याद आ गया कि वो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने बोला था मुझसे कि यार बहुत अच्छी लगी मुझे, तो आई वाज जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। अरे प्लीज गिव हिम माय रिगार्ड्स, और अगर वो ये देख रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। ये तो हो गया कि आपने फिल्म बनाई है, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ ये फिल्म देखने। एंड आप हमसे अक्सर लोग बोलते हैं कि सर हमारा ये जो कहते हैं ना नैरेटिव है या जो सच है कि यार सर हमारा सच क्यों नहीं दिखाया जाता, ठीक। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपका सच दिखाया जाएगा अगर आप उस तरह की फिल्में अगर बनती हैं आप उनको जाके देखेंगे, जो आपने कहा। मैंने कहा जब वो फिल्में बनती हैं तब आप अगर नहीं जा रहे हो देखने, देन यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन कि यार हमारा नैरेटिव क्यों नहीं बना रहे लोग, ठीक। सो डू यू लाइक ये फिल्म में देर इज़ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, यू हैव जस्ट ट्राई टू शो द रियलिटी कि यार एक्चुअल में क्या हुआ था गोधरा से पहले, ये जो इंसिडेंट साबरमती का हुआ इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था, आपने बस वो दिखाया कि यार इसकी वजह से रिएक्शन आया। एग्जैक्टली और जेनेसिस, द राइट वर्ड इज जेनेसिस, कि आपने इफेक्ट की बात की और आपने इफेक्ट को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, कॉज भी था पर उस कॉज को दबाने की कोशिश की, कई कारण थे वो आपको फिल्म में दिखेंगे, लेकिन जैसे फिल्म में मैंने कहा है ट्रेलर अगर आपने देखा है तो, कि झूठ का कितना भी लंबा दौर क्यों ना हो उसे नष्ट जो है सच ही करता है। तो ये कहानी कहना ज़रूरी है सर, ये सच्चाई है, ये कोई आइडियोलॉजी को प्रोपगेट नहीं करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो 2-2.25 घंटों के लिए एक बार, हालांकि माहौल नहीं है वैसा आज की तारीख में, एक बार कोशिश करिएगा कि ये जो आप कि आइडियोलॉजिकल घंटी आप अपने गले में बांध के चल रहे हैं उसको साइड में रखिएगा। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने सच्चाई को दबाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, कि अब तो 22 साल हो गए, द डस्ट हैज सेटल्ड, बस वो 2-2.25 घंटे के लिए वो जो घंटी है उसको निकाल के रख देना साइड पर, और इंसानियत के नाते ये फिल्म देखना, रूह कांप जाएगी तुम्हारी कि 59 लोगों के साथ हुआ क्या। हमारे उस समय के एक इंग्लिश, हमारे अभी आप प्रखर जी से मिले जी। तो हम प्रखर जी ने एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था व्हेन ही वाज वर्किंग इन इंडिया टीवी। अच्छा। जब तो वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने उस समय में ये दिखाया था कि मतलब किस तरीके से उस समय के बड़े जर्नलिस्ट रिपोर्टर इंग्लिश के बहुत बड़े आज भी हैं बहुत रेलिवेंट, तो वो जब साबरमती की जब रिपोर्ट कर रहे थे तो वो दिखा, वो बोलते थे कि S6 bogey एंड देन ही यूज्ड टू से कि अ मॉब, बस कुछ भी इसके अलावा कुछ भी नहीं मतलब बोलते थे वो। जब वो जब मुस्लिम एरियाज में जाते थे या उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एरिया में जाते थे तो वहाँ पे वो हिंदू मॉब एंड अ मॉस्क, मतलब एक तरीके से आप जब जो दूसरी कम्युनिटी है जहाँ जो सबसे पहले जिसने अटैक किए जो अटैक हुई वहाँ पे आप ना उसका नाम ले रहे हैं ना उस कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं, आप सिर्फ S6 bogey बोलते हैं और बोलते हैं कि एक मॉब ने अटैक किया। वो मॉब कौन सी थी, वो कितना प्रिपेयर्ड थी, और आप
दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वहां पे आप नहीं कर पाए। बट जब आप मुस्लिम एरियाज में, विच वॉज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन, ठीक है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब वहां जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हिंदू मॉब्स अटैक दिस पर्टिकुलर मॉस्क, हिंदू मॉब अटैक दिस, और ये उस तबके के लोग आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही, वो एक एलिटिज्म क्लासिज्म है, एलिटिज्म आज भी है, जिस मार्केट गैंग की आप बात कर रहे हैं वो हकीकत है, ये पूरा देश जानता है। बट लेकिन बाय द एंड ऑफ इट, जैसे मैंने कहा, दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केम डाउन वेरी हैविली, वेरी वेरी हैविली ऑन दोज रिपोर्ट्स, दे आर लिटरली थ्रू इट इन द डस्टबिन, और आज लोगों को दोषी पाया गया है, ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है कि वो जो गोनियाँ थीं उनको पहले ही भिगो के रखा गया था ताकि समय बर्बाद ना हो, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए थे, ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, ये तो वो है, और ये चीज़ें बदल रही हैं सर आहिस्ता आहिस्ता करके। आज हिंदी जर्नलिज्म जो है और रीजनल जर्नलिज्म जो है उनको फाइनली कहीं ना कहीं, मेरे नज़रिए में, आई माइट बी रॉन्ग, पिछले 5-7 सालों में अब उनको कहीं ना कहीं उनकी डिजर्विंग पोजीशन मिली है। अब तो वो लोग भी हिंदी बोल रहे हैं जो अंग्रेजी में ही आजीवन पत्रकारिता की पूरी जिंदगी अंग्रेजी करी है, अब वो हिंदी सीख के हिंदी प्रोग्राम भी कर रहे हैं प्राइम टाइम पे बैठ के, सोचिए, और वो बड़े गर्व के साथ दुनिया को कहते हैं कि अब तो मैं हिंदी भी सीख रहा हूँ, और मैं हिंदी सीख रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदी दर्शक बहुत बढ़ गए हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो वही वैसे ही लोग हैं जो, और ये फिल्म में भी आपको देखने मिलेगा कि वो पोजीशन जो है, वो जिम्मेदारी जो है, उसका बहुत दुरुपयोग किया गया। मैं ऐसे जर्नलिस्ट को भी जानता हूँ जो आज कहते हैं कैमरा पे आने से पहले, और जिनका इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं न्यूज़ चैनल्स का कपिल शर्मा हूँ, इट्स टाइम टू एंटरटेन, शायद आप समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ न्यूज़ चैनल्स के कपिल शर्मा जो हैं, और जितने भी हैं, बहुत हैं, उनकी शायद आंखें खुलेगी ये फिल्म देख के, इंसानियत अभी भी जिंदा है सर, मुझे उम्मीद है कि इंसानियत जिंदा है। एंड यही रीज़न है जो आपने कहा है कि लोग अब जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को सुन रहे हैं, बिकॉज सच लोगों को मालूम है, वो बस आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, कि जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, पीपल नो एवरीथिंग। आप खुद को इल्यूजन में रखते हैं, जर्नलिस्ट ये सोचते हैं कि हम, जैसे हमारे जैसे लोग भी ये इल्यूजन रखते हैं कि हम जनता को बताएंगे कि क्या चल रहा है, जनता को ऑलरेडी सब जानती है, उनको पता है क्या चल रहा है, वो बस चाहते हैं कि आप बोलो ताकि जो दो चार लोग नहीं जानते वो भी जाने और थोड़ी उनकी भी हिम्मत बढ़े सर। यस, क्योंकि लोग इस डर से, आप देखिए मेरे जैसा सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड आदमी जो मुंबई महानगरी में रहता है, जो थोड़ा बहुत फेमस है, जिसे लोग मतलब लुक अप टू करते हैं, मैं खुद अगर डर के बैठा हूँ जब मेरे पास ये फिल्म आई कि मैं फिल्म करूं कि नहीं करूं, कहूं कि नहीं कहूं, क्या मुझे मतलब इज दिस द राइट थिंग फॉर मी टू डू ऑर नो, तो दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द फैक्ट कि आज भी वो माहौल है जहां पे आपको सच्चाई कहने से हल्का फुल्का डर लगता है। दैट हैज टू चेंज सर, और हम कितने ही साल हैं यहाँ पे, 70-80 साल, अगर आप जापानी हैं तो 100 साल, तो जो आपका योगदान है वो तो आपको करके जाना है ना सर। राइट, आप पत्रकारिता से अपना योगदान कर रहे हैं, हम कहानियां कह के सिनेमा के माध्यम से कर रहे हैं, डर के तो नहीं बैठ सकते ना सर। थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो, आप सभी जरूर देखिएगा, और आप इस तरह की फिल्में देखेंगे ज़्यादा तो इस तरह की फिल्में और बनेंगी। आप जिन इश्यूज को चाहते हैं कि वो उठें, वो फिर वो इश्यूज उठेंगे, और आप स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप विल डू अ पॉडकास्ट वेरी सून अगेन। मैं दिल्ली बहुत आता हूँ। ओके, और मतलब साल के 2-3 महीने मेरे दिल्ली में बीतते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपसे मिलता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाइकवाइज़।